हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। JKSSB के कोर्ट केस के बारे में आप सभी जानते होंगे। लगातार जो है एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे थे और लगातार जो है इसमें अगर बात करें तो अड़चने लगातार इसमें आ रही थी कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट किए जाएंगे। कोर केसेस फिलहाल के लिए जहाँ पे गुड न्यूज़ है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि काफ़ी देर से ये बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने चाहिए, और जिसमें कोई भी जिस एग्ज़ाम में कोई भी धांधली वगैरह हो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो JKSSB कोर्ट केस की अगर आज की अपडेट की बात करें तो फिलहाल के लिए गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि फैसला जो है रिजर्व रखा गया है और जल्दी ही आपको जो है एक जजमेंट आपको देखने को मिलेगी। और जजमेंट आपको जहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं कि JKSSB की फेवर में आपको देखने को मिलेगी, आप जहाँ पे बच्चे जो हैं जो JKPSI जिसने जिन बच्चों ने रिटर्न दिया है और जिस बच्चों के मार्क्स अच्छे हैं और उनके माइंड में यही था कि वापस से एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जहाँ हमें फिजिकल की तैयारी करनी पड़ेगी, या फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे जो थे वो ये बोल रहे थे कि इसमें हमने वापस से एग्ज़ाम की तैयारी करें या क्या करें। मगर JKPSI जो कैंडिडेट्स हैं जिनके भी बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, आप फिलहाल फिजिकल की तैयारी कीजिए और जो आपका जो रनिंग होगी जो फिजिकल टेस्ट वगैरह होगा उसकी आप प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम की उसमें आप फिजिकल टेस्ट की तैयारी कीजिए। तो फाइनली जो है जिसमें गुड न्यूज़ आपकी आ चुकी है, सीधे मैं आपको जहाँ पे बताना चाहूँगा 7 से लेकर 8 दिन तक आपको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जहाँ पे कि एग्ज़ाम जो है आपके बाकी जो पेंडिंग एग्ज़ाम है कब कंडक्ट किए जाएंगे, और JKPSI के जो बच्चे हैं जिन्होंने लगातार जो है बच्चे जो रनिंग कर रहे थे आप प्रॉपर तरीके से उसकी तैयारी कीजिए। फिनेंस अकाउंट असिस्टेंट BLW के जो बच्चों जिस एग्ज़ाम की आप इन एग्ज़ाम की आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। अब थोड़ा सा जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा आज की कोर्ट केस की अपडेट, जहाँ पे JKSSP के एग्ज़ाम जो है ऑलरेडी एक कैलेंडर इशू किया है JKSSP ने, जहाँ पे जो है आपके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे और सितंबर से जो एग्ज़ाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट की थी, जिसमें आपकी जूनियर असिस्टेंट के साथ आपकी ड्राफ्टमैन की थी और जूनियर इंजीनियर JEE मैकेनिकल की जो वैकेंसीज थी जिसमें थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज, उसका पहला कैलेंडर जो है JKSSP ने निकाल दिया। अब इसमें जो है रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस 2.0 जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जितने भी बच्चे जो हैं, जी मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अक्टूबर का मंथ का वेट मत कीजिए, जितने भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं JKPSI की आप लगातार रनिंग कीजिए, क्योंकि कभी भी जैसे ही इसकी कोई जजमेंट आएगी 7-8 दिन के बाद फाइनल जजमेंट जहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो फैसला रिजर्व रखा गया है, उसकी जब भी जो है नोटिफिकेशन या उसकी जजमेंट आती है उसके बाद आपको लगातार तैयारी करने की। फिलहाल के लिए केस जो है JKSSP के फेवर में आपको देखने को मिलेगा, तो लगातार तैयारी कीजिए क्योंकि सितंबर मंथ तक नोटिफिकेशन आ जाएगा JKSSP की तरफ से कि आपका फिजिकल टेस्ट जो है कब कंडक्ट किया जाएगा, जल्दी से जल्दी होगा। उसके बाद यहाँ पे ये आपका फिजिकल टेस्ट आ गया, उसके साथ साथ फाइनेंस कोड असिस्टेंट का एग्ज़ाम, क्योंकि अक्टूबर 1 तक जो है JKSSP ने ऑलरेडी कैलेंडर इशू कर दिया है कि अक्टूबर 1 तक आपके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे, और जितने भी बच्चे हैं आप मान के चलिए कि 15 अक्टूबर के बाद आपके जो है फाइनेंस कोड असिस्टेंट का एग्ज़ाम, उसके बाद BLW का एग्ज़ाम, और उसके बाद और जो मेजर एग्ज़ाम जो है अभी तक पेंडिंग है वो आपके एग्ज़ाम जो है होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इसके साथ TCS के बारे में बात कर जहाँ पे की जा रही है कि ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करेगी, तो इसके बारे में भी आपको जल्दी से जल्दी जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सी एजेंसी जो है JKSSP के एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करने वाली है। तो इसमें जितने भी बच्चे हैं कोर्ट केस की जहाँ पर बात की गई है, जहाँ पर फाइनल जो है जहाँ पर अब आपके एग्ज़ाम जो है कंडक्ट किए जाएंगे, अब जो TCS जो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, क्या इसमें सबसे बड़ी जो देखने वाली बात जो है कि इसमें आपके एग्ज़ाम जो है CBT बेस होंगे या आपके OMR बेस होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो JKSSP के जो पहले एग्ज़ाम हुए थे वो CBT बेस हुए थे, और TCS अगर एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो उसमें आपके जो है एग्ज़ाम वो आपको फुली नोटिफिकेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है कि उसमें जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें आपका क्या OMR बेस होगा या CBT बेस एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जितने भी बच्चे JKPSI PSI जो है आपकी फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उसकी आप तैयारी करते रहिए। फाइनेंस कोड असिस्टेंट के बच्चे BLW के और जो आप जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अक्टूबर 15 के बाद जैसे तीन जो डिफरेंट वैकेंसीज जो निकाली गई थी डिफरेंट जैसे जूनियर असिस्टेंट की थी, उसके बाद ड्राफ्टमैन की थी, इसका जो है 1 अक्टूबर तक एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो है 10-15 दिन के गैप के बाद आपके जो है बाकी वाले पेंडिंग एग्ज़ाम जो है JKSSP स्टार्ट करेगी,
और कौन कौन से जहाँ पे TCS के जहाँ पे बारे में बात की गई है, TCS जो है यहाँ पे इसकी फाइनल जो है आती है कि TCS एग्जाम कंडक्ट करेगी या कोई और कंपनी यहाँ पे एग्जाम जो है कंडक्ट करेगी। तो गुड न्यूज है हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि काफी देर से रनिंग वगैरह कर रहे थे JKPSI की और फाइनेंस और असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी करें जो दूसरे एग्जाम है। अब यहाँ पे एक और मेजर जो इशू है जहाँ पे बच्चे जो है लगातार जहाँ पे बात कर रहे थे कि ये दूसरे एग्जाम जो है कंडक्ट कब किए जाएंगे, जिसमें आपकी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम है, वेटरनरी फार्मेसिस्ट का एग्जाम है, ये उसके बाद फाइनेंस SI का एग्जाम है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे पेंडिंग एग्जाम अभी तक JKSSB को कंडक्ट करने हैं। अब यहाँ से जैसे इसके बारे में कोई रिजल्ट आता है और इसके बारे में 7-8 दिन के बाद आपको बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि इससे एग्जाम जो है कब कंडक्ट की जाएंगी, उसके साथ साथ JKSSB का स्टैंड बिल्कुल क्लियर होगा और बिल्कुल एडवांस नोटिस आपका निकाला जाएगा 1 मंथ पहले का, और उसके बाद के जो 1 अक्टूबर के बाद के जो एग्जाम है उसके रिलेटेड भी आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो ये फिलहाल के लिए अपडेट है। आपने सभी न्यूज़ में देखा होगा कि जो है आज कोर्ट केस की हियरिंग थी, बहुत सारे बच्चों को जहाँ पे लगातार जो बच्चे ये डिमांड कर रहे थे कि एग्ज़ाम टाइम पे होने चाहिए, बहुत ज़्यादा जो अभी तक पेंडिंग जो है बच्चों का टाइम जो है कंज्यूम हो चुका है। तो अब इसकी आप वेट कीजिए 6-7 दिन तक, जल्दी ही आपको जो है फैसला जो रिजर्व रखा गया आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते रहिए और जो पेंडिंग एग्जाम्स हैं JKSSB उसकी तैयारी करते रहिए। रिक्रूटमेंट कैलेंडर जो है आपका 2.0 बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।